असुर सीजन 1 जिसने देखा वो असुर सीजन 2 देखे बिना नहीं रह सकता, और जिसने असुर सीजन 2 नहीं देखा वो इस वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि भाई ये वीडियो आपके काम की नहीं है। हम इसमें स्पॉइलर्स देने वाले, हम इसमें एंडिंग को एक्सप्लेन करने वाले हैं, और मेरे भाई थोड़ा सा ज्ञान पिलने वाले हैं कि हमें क्या फील हो रहा है कि सीजन 3 की कहानी क्या होने वाली है। रुको रुको, ऐसा मत सोचो कि भाई मैं ज्ञान पिलने वाला हूँ, मतलब सिर्फ पॉसिबिलिटीज बताने वाला हूँ, मेरे पास कोई पुख्ता कहानी नहीं है सीजन 3 के लिए। तो मेरे भाई सुन लो, किसी के पास नहीं है। दिल पे हाथ रख के बोलो कि असुर का सीजन 2 देखने के बाद तुम्हें सच में ऐसा लग रहा है कि सीजन 3 की कहानी क्या होने वाली, ये कोई प्रेडिक्ट करके पहले बता देगा? सीजन 2 देखने के बाद भी इतने हल्के हमें कैसे ले सकते हो तुम उसके राइटर और डायरेक्टर को? लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ लॉजिक्स और कुछ हिडन डिटेल्स के ऊपर थोड़ा सा ज्ञान पेला जाएगा, और मैं बोल रहा हूँ कि उस ज्ञान में मजा आएगा। असुर सीजन 2 की एंडिंग बहुत सारे सवाल छोड़ के जाते हैं कि धनंजय ने आखिर क्या देखा, और वृंदा के पास वो क्यों गया था, निखिल ने क्यों असुर को मारा, नुसरत हॉस्पिटल से जो वीडियो देख रही है वो वीडियो आखिर क्यों पहुंचा उस तक, और इन्हीं सारे सवालों के जवाब को डिस्कस करते हुए हमें हमारे सीजन 3 की कहानी मिल जाएगी। जब सीजन 2 का एंड होता है तो तीन लोगों की मेंटल स्टेट है वो बहुत ही ज्यादा विचलित होती है, लेकिन ये तीनों ही अपने दिमाग की विचलन को दूर करने के लिए तीन अलग अलग तरीके अपनाते हैं, जिसमें से दो का तरीका हमें सीजन 2 के एंड में ही दिखा दिया था। पहला तो निखिल का दिखाया कि निखिल खुद जाके अपनी बेटी का बदला लेता है असुर को मार के, यानी कल्की को मारकर। तो वहीं पे धनंजय अपनी थोड़ी सी विचलन को दूर करने के लिए वृंदा के पास जाता है, लेकिन वृंदा को यह खबर देने से पहले कि असुर को उन्होंने पकड़ लिया है, वहां पे जाके उसको और भी ज्यादा नई चीजें मालूम चलती हैं। जब धनंजय उन तीन पेंटिंग्स को देखता है जिसके अंदर पहली पेंटिंग के अंदर कल्की का मास्क होता है और नीचे की दो पेंटिंग्स में दो असुर होते हैं, तब वहां से धनंजय को पता चलता है कि कल्की के इस मास्क का जो डिजाइन था वो वृंदा ने ही किया था। वहीं से सवाल खड़ा हो जाता है, क्या वृंदा सच में अंधी थी? हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, लेकिन वहां से ये अंदाजा साफ लग रहा है कि आखिर क्यों सिर्फ वृंदा ही बच पाई थी उस आश्रम के अंदर, क्यों शुभ ने वृंदा को नहीं मारा था, और आखिर वृंदा अभी कहाँ पे है। वृंदा ने हमें हिंट दे दिया है कि देखो आपने कल्की को तो मार दिया या कल्की को तो पकड़ लिया, लेकिन उसके नीचे दो नए असुर, और ये डेफिनेटली वो ही होने वाले हैं। शुभ बात कर रहा है जाते जाते कोका विकोका, आई थिंक यही उसने सेनापति बताए हैं, और ये दो ही सेनापति हैं वो जिंदा हैं जो कि कल्की की मेंटलिटी आइडियोलॉजी को अब आगे कन्वे करने वाले हैं। कुछ लोग का मानना है कि शुभ कभी असली असुर था ही नहीं, वो भी सिर्फ एक प्यादा था, और असली असुर तो वृंदा है, लेकिन इस बात का चांस ज्यादा है कि वृंदा कोका या विकोका में से एक सेनापति है। ऐसा हमें तब अंदाजा लगता है जब वृंदा खुद धनंजय को बुलाती है ये बताने के लिए कि हाँ उसे अचानक से याद आ गया कि जो शुभ है वो किस प्रोफेसर के पास जाके कंप्यूटर के बारे में पढ़ने वाला था, या फिर वो अपनी रिसर्च करने वाला था किस कॉलेज में। उस वक्त धनंजय ये बात बोलता है कहीं ऐसा ना हो कि शुभ को पता चले कि तुम मेरी मदद कर रही हो और वो कहीं तुम्हें भी जान से मार दे। तब वृंदा बोलती, मैं ये सब शुभ के कहने पे ही कर रही हूं। उस वक्त धनंजय उस बात पर ध्यान नहीं देता और इस बात को टाल देती है कि शुभ हमेशा ये कहा करता था कि जरूर कुछ ना कुछ उसके पीछे कुछ कारण ही होता है, जो भी घटता है कुछ कारण से घटता है, और वहां पे वो बात दब जाती, लेकिन वो बात काफी गहरी थी और उसका सीजन 3 में हमें पता चलता है। आई मीन चलेगा। असुर सीजन 2 के अंदर जब शुभ अपना लास्ट मोनोलॉग कंप्लीट करता है जिसमें वो ये बताता है कि कल्की को मारना असंभव है क्योंकि कल्की अनंत है और कल्की अपने एक शरीर से दूसरे शरीर में तुरंत स्थानांतरण कर लेता है, यहां तक कि वो तय कर चुका है कि वो एक शरीर में विराजमान नहीं रहेगा, वो निरंतर अपना शरीर बदलता रहेगा। तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटीज निकल के आती, पहले तो ये कि कल्की है वो एक आइडियोलॉजी है, और एक आइडियोलॉजी है वो कई सारे शरीरों में एक साथ रह सकती है, और वो कहीं ना कहीं आइडियोलॉजी एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकती है। कुछ लोगों का कहना है कि एक मेटाफर है जिसके अंदर शुभ ये बताता है कि अनंत ही कल्की है, मतलब कि जो वो बच्चा होता है उसका नाम भी अनंत ही होता है। एक फैन थ्योरी ये बोल रही है कि भाई हो सकता है कि जब धनंजय ने आखिर के अंदर खुद अनंत के ऊपर वो गन पॉइंट कर दी थी, जबकि अनंत को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद धनंजय ने ये वादा कर रखा था, और लेकिन जब बच्चे को ये पता चलता है कि अपने ऊपर जब आन पड़ी तो वो गन पॉइंट कर रहा है मेरे ऊपर, तो कहीं ना कहीं अब जो अनंत है वो नेगेटिविटी की तरफ बढ़ जाएगा, और अनंत का मास्टरमाइंड भी उसी लेवल का है जिस लेवल का शुभ का था, ये हमें अंदाजा हो चुका है, और अब आगे जाके कल्की ही अनंत है। खैर थोड़ा सा दम रखती है ये थ्योरी, बट मैं इस चीज के फेवर में नहीं हूँ क्योंकि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। यहाँ तक कि मुझे तो इसका ठीक उल्टा ये लग रहा है कि हो सकता है कि डीजे ने जानबूझ के उसे भगवान का रूप बनाया, लेकिन सीजन 3 के अंदर हम कहीं ना कहीं उसको चमत्कार करते हुए भी देख लेंगे। लेकिन जो फाइनल बात सबसे ज्यादा परफेक्ट और मुझे लगती है वो ये लगती है कि देखो जो शुभ है वो इस बात में विश्वास रखता है कि जैसे कृष्ण भगवान थे उनको पता था कि महाभारत होगी, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसे टाल नहीं पाए, वो काफी कोशिश करने के बावजूद भी, उसी तरीके से शुभ को ये तो पता चल गया था कि मेरा अंत होने वाला है, लेकिन उसने अपना माया अस्त्र जिसके बारे में निखिल बार-बार जिक्र कर रहा था, माया अस्त्र यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का उन्होंने पूरे तरीके से
डेवलपमेंट कर लिया है और अब उसकी मृत्यु के बाद में अब उसके जो कोका विकोका यानी उसके जो सेनापति होंगे वो अब लॉन्च करेंगे माया अस्त्र को सीजन 3 के अंदर, जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरे तरीके से ह्यूमैनिटी को मैनिपुलेट कर लेगी। वहीं से प्रोफेसर का वो वाला डायलॉग याद आता है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई तो इसलिए गई है ताकि वो ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करके उनकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को बता के बहुत सारी चीजों के अंदर सदुपयोग किया जा सके। लेकिन इसी एआई का ज्यादा डेवलपमेंट हुआ तो ये कहीं ना कहीं ह्यूमन बिहेवियर को मैनिपुलेट भी करना स्टार्ट कर देगी, उनसे कुछ ना कुछ हरकतें भी करवा सकती है। और यही सीजन 3 के अंदर होगा कि कल्कि के द्वारा बनाया गया माया अस्त्र यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कल्कि के दो सेनापति यानी कोका विकोका की मदद से लॉन्च किया जाएगा और इससे पूरी ह्यूमैनिटी है वो कलयुग के चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। अब हमें सीजन 3 का थ्रेट पता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होने वाली है, साथ ही साथ में एक मेन विलन पता है कि वृंदा होने वाली है, लेकिन दूसरा सेनापति आखिर कौन होने वाला है इस असुर का? अब इस सवाल के जवाब के तीन दावेदार हैं, धनंजय, नुसरत और निखिल। अब देखो धनंजय है उसको शुरुआत से ही ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि भाई साहब ये भी असुर हो सकता है, ये भी असुर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है तो सीजन 3 के अंदर भी ऐसा नहीं होने वाला है। वहीं पे एक बात नोटिस करने वाली ये है कि जो निखिल शुरुआत से लीगल प्रोसीजर फॉलो करना चाहता था, जो कि ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि हम झूठ का सहारा लेके सच्चाई का रास्ता भी चले, तो वहां पे वही निखिल एंड के अंदर अपने लीगलिटी को अपने प्रोसीजर को सबको साइड में रखते हुए शुभ को मार देता है बदला लेते हुए इलीगल तरीके से, जो कि वो बंदा पहले था अब वो एंड में वैसा बिल्कुल नहीं रहा, वो बदल चुका है, उसका कैरेक्टराइजेशन अलग तरीके से हो चुका है। वहीं पे जो धनंजय पूरे सीजन 2 के अंदर हमें ये दिखाया है कि वो शुरुआत से शॉर्ट टेंपर हो चुका है, वो गुस्से में आके किसी को भी मार सकता है, उसके लिए बस अपना लक्ष्य जरूरी है, चाहे वो गलत तरीके से पूरा हो चाहे वो सही तरीके से पूरा हो। वही धनंजय जब एंड में शुभ को मार सकता था उसने नहीं मारा, हालांकि शुभ उसे गुस्सा भी दिला रहा था, शुभ को अपनी पॉसिबिलिटी पता था कि वो मर सकता है और वो शुभ खुद जानबूझ के वहीं पर था, वरना वो चाहता तो भाग सकता था। आपको शुभ का वो डायलॉग तो याद होगा है कि आपका जन्म कुछ ना कुछ एक विशेष कार्य के लिए होता है और जैसे ही आपका विशेष कार्य पूरा हो जाता है आपको इस शरीर को त्याग देना चाहिए, आपको मुक्त हो जाना चाहिए। ये चीज शुभ ने खुद के लिए भी अप्लाई की थी, वो मुक्त होना चाहता था इसलिए वो धनंजय के सामने आया और वो मरना चाहता था, लेकिन ठीक धनंजय ने इसका उल्टा किया, उसने उसे मुक्ति नहीं दी। लेकिन फिर एक महीने बाद निखिल ने उसे मुक्ति दे दी, लेकिन उस एक महीने के बीच क्या हुआ ये हम में से किसी को नहीं पता। वहीं पर नुसरत के ऊपर यदि हम नजर डालें तो शुरुआत से उसके अंदर काफी सारे गिल्ट थे कि उसने अपने पास्ट में गलत कदम उठाए हैं और अब वो फ्यूचर में और ऐसा कुछ नहीं करना चाहती, लेकिन उसको सही गलत का अब फर्क नहीं मालूम है। अब जिस मेंटल सिचुएशन में वो पहुंच चुकी है उसमें वो फर्क नहीं कर पा रही कि जिंदगी में क्या सही है, क्या गलत है, क्या नैतिकता है, क्या अनैतिकता है, कौन देवता है, कौन राक्षस है, वो इस वक्त कुछ भी नहीं समझ पा रही। वहीं पर एक असुर का वीडियो देखते हुए नजर आती हमें नुसरत, तो बहुत ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि नुसरत है वो अब वृंदा को ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि अब वो मेंटली तौर पे उस सिचुएशन में पहुंच चुकी है जिस सिचुएशन में पहुंचाकर असुर अपनी टीम अक्सर बनाता है। एक चीज अभी भी गौर करने लायक है, जब नुसरत और निखिल दोनों ही दोनों शुभ के बेस पर जाते हैं जहां पे उनको गैस छोड़ी जाती है और वो कहीं ना कहीं बेहोश हो रहे होते हैं और वो एंड में उस बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं जो सोनिक बॉम्ब लगाए हुए होते हैं, लेकिन वहां पे पुलिस जब तक पहुंचे तब तक वे दोनों कहां थे, उस वक्त शुभ से जो बातचीत चल रही थी उस वक्त उनका क्या हुआ और उस दौरान वो बच्चे कैसे, इस बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया। बहुत ज्यादा चांसेस है कि उस वक्त ऐसा कन्वर्सेशन हुआ है असुर और उन दोनों के बीच में कि उन दोनों का माइंड है वो बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो गया हो, लेकिन एग्जैक्ट खुलासा तो उसी वक्त होगा। हो सकता है निखिल ने असुर को असुर के कहने पे ही मारा हो, वरना खुद सोचो कि इतना मास्टरमाइंड बंदा निखिल के हाथ बढ़ाने पे उससे हाथ मिला लेगा बिना किसी वजह के। इन द एंड कंक्लूजन और ज्यादा चांसेस मुझे लग रहे हैं कि वृंदा है अब लीड करने वाली है शुभ को और अगले सीजन के अंदर हमें शुभ की वो जर्नी दिखाई जाएगी जो कि अब उसने तैयारियां की थी अपने मरने के बाद मायास्त्र को लॉन्च करने के लिए, और साथ साथ में निखिल और नुसरत में से कौन ज्वाइन करने वाला है वृंदा को या फिर दोनों ही ज्वाइन कर लेंगे ये तो देखना होगा अब सीजन 3 के अंदर। लेकिन धनंजय राजपूत पॉजिटिव इमेज में रहेंगे और धनंजय राजपूत के पास दोबारा ये चैलेंज आएगा कि वो नए असुर को रोके। यदि आप लोग के पास अपनी खुद की कोई थ्योरी और आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताओ और बातें करो भाई, ये वेब सीरीज डिजर्व करती है पूरा डिस्कशन। स्टे कनेक्टेड फॉर रेगुलर वीडियोस।